नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब में। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कंडेंसर और कैपेसिटर के बारे में। इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, क्या एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं या फिर दोनों अलग अलग होते हैं। इंटरव्यू में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में क्वेश्चन जो है काफ़ी कॉमन है, ये बार बार पूछा ही जाता है और स्टूडेंट इसमें क्या आंसर देते हैं वो भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को इसमें बहुत ही डीप जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है, आप लोग यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं। ये कैपेसिटर जो हम लोग अक्सर देखते हैं फैन में जो लगा हुआ होता है कैपेसिटर, वो यहाँ पर हमने यहाँ पर डायग्राम उसका बना दिया है। तो आप लोग ने बेसिकली यही डायग्राम ज़्यादातर देखा होगा, फैन में प्रयोग होता है। तो कैपेसिटर किस प्रकार से वर्क करता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, क्या करता है, क्या स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है या फिर चार्ज स्टोर करता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार का हमारा जो है कैपेसिटर का सिंबल होता है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि दो हमारी जो मेटल की यहाँ पर प्लेट ली जाती है, कंडेंसर या कैपेसिटर जो भी आप लोग बोलते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें दो मेटल की हम लोग प्लेट लेते हैं, उसमें हम लोग बीच में एक सेपरेट कर देते हैं, बीच में खाली जगह छोड़ देते हैं। सेपरेट का मतलब ही यही होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो जो कि इंसुलेटर का कार्य करता हो, इंसुलेटर यानी कि हवा का कार्य करता हो, रबर का, लकड़ी का, प्लास्टिक का, ये हमारे क्या होते हैं इंसुलेटर मटेरियल या फिर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो उसी प्रकार से हमारा होता है, ये हमारा एक कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर हमारा यहाँ पर है और बीच में जो है हमारा यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है। तो इस प्रकार से हमारा कुछ कैपेसिटर डिजाइन किया जाता है। तो कैपेसिटर में एक बेसिक क्वेश्चन ये यहाँ पर जनरेट हो जाता है कि हमारा कैपेसिटर एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है या फिर आवेश स्टोरेज यानी कि कूलाम। तो आप लोगों में बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूजन होंगे, अधिकतर लोग बोलते हैं कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो आज मैं ये भी प्रूफ कर दूंगा कि ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है, ये हमारा आवेश यानी कि चार्ज स्टोरेज डिवाइस होता है। किस प्रकार से होता है, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर होता है वो बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, टार्क। किसी भी हमारे जब सर्किट में आवश्यकता होती है मोटर में, तो वहाँ पर हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या ज़रूरत होती है, टार्क की। जिस प्रकार से हमारा फ़ैन होता है, फ़ैन में हम लोग लगाते हैं कैपेसिटर, तो उसमें हम लोग बेसिकली स्टार्टिंग में टार्क की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। तो टार्क हमारा एनर्जी से जनरेट नहीं होता है, यहाँ पर आवेश यानी आप लोग फ्लक्स जानते होंगे, चार्ज आवेश आप लोग समझ रहे होंगे कि इससे हमारा फ्लक्स या फिर टार्क जनरेट होता है, एनर्जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है कंडेंसर और कैपेसिटर के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग पहले इन दोनों के डिफरेंस के बारे में जानेंगे, बाद में आप लोग को एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है या फिर चार्ज स्टोरेज डिवाइस है इसके बारे में हम आप लोग को बाद में नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कंडेंसर की। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग कंडेंसर के बारे में। कंडेंसर देखने में कुछ इस प्रकार का होता है, ये आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपके घर में एसी होगी या फिर फ्रिज होगी तो वहाँ पर ये हमें कंडेंसर देखने को मिल जाता है। अब मेन इसका काम क्या होता है, क्या कार्य होता है जो कंडेंसर हम लोग इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में सबसे पहले बोलते हैं हम लोग संघनित्र, संघनित्र इसको हम लोग बोलते हैं, और कैपेसिटर को बोलते हैं हिंदी में संधारित्र, संधारित्र बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिया में कंफ्यूजन हो गई, यहाँ पर इसको सेम बोलने का जो रीजन है वो यहाँ पर संघनित्र और संधारित्र, जबकि इससे लेना देना कुछ नहीं है। कंडेंसर हमारा बिल्कुल अलग होता है, कैपेसिटर बिल्कुल अलग होता है। कंडेंसर हमारा क्या करता है, वेपर को यानी कि वाष्प को हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जबकि हमारा जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को स्टोर करने का कार्य करता है। ये हमारा जो है बेसिक डिफरेंस होता है कंडेंसर और कैपेसिटर में। अब आप लोग जितने भी पावर प्लांट होंगे, आप लोग थर्मल पावर प्लांट का ही एग्जांपल ले लीजिएगा, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर कोयला को गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो उससे हमारा जो पानी वहाँ पर भट्टी में रखा होता है भारी मात्रा में, वो गर्म होता है। गर्म होकर जो उससे हमारे जो वाप निकलती है, वाष्प निकलती है, उससे हमारी टर्बाइन रोटेट करती है। तो जब वो वाष्प जो टर्बाइन रोटेट करती है, तो उसके नीचे आप लोग देखते होंगे टर्बाइन के नीचे हम लोग एक क्या यूज़ करते हैं, कंडेंसर, क्योंकि जो भी हमारी वो वाष्प रहती है, वाष्प को फिर से लिक्विड यानी कि पानी के फॉर्मेट में चेंज करने का काम हमारा कंडेंसर करता है। तो आप लोग टेक्निकल लाइन के यदि स्टूडेंट होंगे, तो यदि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, इंटरव्यू में,
कि ये कंडेंसर और कैपेसिटर में क्या अंतर होता है, तो बेसिकली आप लोग बता पाएंगे कि कैपेसिटर अलग होता है और कंडेंसर पूरी तरह से अलग होता है। यदि आप लोग ने सेम बताया या आप लोग को अभी भी कंफ्यूजन है कि कैपेसिटर और कंडेंसर केवल एक ही होते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लोग उठाइएगा, उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं, उन सभी को कैपेसिटर बोला जाता है, कैपेसिटर बोला जाता है। और हमारा जो ये कंडेंसर होता है एक ही बोला जाता है किसी जो फैन में लगा होता है। बाकी हमारे जितने भी कैपेसिटर होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, तो वो सारे उनको कंडेंसर, कोई भी आप लोग जितने भी कोई भी यदि नॉर्मल व्यक्ति होगा या फिर टेक्निकल लाइन का होगा, बीटेक एमटेक डिप्लोमा किया होगा, वो सारे ही स्टूडेंट पूरी दुनिया जितने भी हैं सारे उनको कंडेंसर नहीं बोल के कैपेसिटर ही बोलते हैं। केवल कंडेंसर किसको बोलते हैं, जो एक फैन में एक कैपेसिटर लगा होता है उसको केवल कंडेंसर बोला जाता है, बाकी सबको कैपेसिटर बोला जाता है। तो वहाँ पर आप लोग को बताया कि यहाँ पर नाम में यहाँ पर दिक्कत थी, यहाँ पर संघनित्र और संधारित्र में, इसीलिए यहाँ पर इंडिया में केवल बोला जाता है कैपेसिटर को कंडेंसर, बाकी अदरवाइज अगर आप टेक्निकल लाइन के छात्र हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंडेंसर क्या करता है। जैसे कि इसका नाम ही कंडेंसर, कंडेंस्ड करता है, संघनित करता है, पानी के फॉर्मेट में चेंज करता है, ये होता है हमारा कंडेंसर का काम। और हमारा जो है, यदि आप लोग इंटरव्यू में बता देते हैं कि ये सेम होता है, तो आपसे पूछ भी सकता है कि इन दोनों की यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, तब आप लोग बता देंगे कि इसका तो हमारा जो है फैराड होता है, इसकी आप लोग बता देंगे कि फैराड होता है कैपेसिटर, तो आप लोग इसमें फंस जाएंगे कि यहाँ पर हमारा कंडेंसर का क्या होगा यूनिट। तो यहाँ पर कंडेंसर की कोई यूनिट ही नहीं होती है, कोई मात्रक नहीं होता है, वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो केवल वेपर को यानी कि भाप को पानी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी काफ़ी। तो इसी तरह के टेक्निकल वीडियो और आप लोगों के डिप्लोमा से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड वीडियो के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।